बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सबकी ज़िंदगी सदा जगमगाती और चमचमाती रहे। आज जो रेसिपी मेरे पास है वो है रमज़ान के हवाले से भी और गर्मियों के हवाले से भी। गर्मियों में ये शरबत हमारे स्टमक के लिए बहुत बेस्ट है और हम इसे इफ्तार के टाइम भी सर्व कर सकते हैं। इससे जो है हमारा जो स्टमक है बहुत बेस्ट रहेगा और जो हमारा रोज़ा है वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ लिया है 1 कप पानी, इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है, अभी सिर्फ इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी, उसके बाद फ्लेम ऑन करना है। और इसमें 3 टेबलस्पून चीनी के ऐड करने हैं। इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और अब हम नीचे से इसकी फ्लेम ऑन कर देंगे। इसको तेज़ फ्लेम पे पकाना है आपने, मीडियम फ्लेम पे भी बना सकते हैं। क्योंकि मुझे फौरी तौर पे इसको बनाना है तो मैं हाई फ्लेम पे बना रही हूँ इसे। तो इसको हमने थिक करना है। इसके थिकनेस आप देख सकते हैं कि इस तरीके की होनी चाहिए। चमचे को हमने स्टॉप नहीं करना, उसको मूव करते रहना है। जब ये इस तरह की इसकी लुक हो जाए तो इसे हम एक तरफ रख देंगे और फिर इसे हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे, चूँकि हमने इसमें फूड कलर भी ऐड करने हैं। अब हमने फौरी तौर पे इसमें जो है जिस तरह के कलर्स हम ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लेंगे। चूँकि ये सेट होने लगता है तो हमने इसको बहुत ठंडा नहीं करना है, गर्म गर्म ही हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 3 कलर लिए हैं और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से जम जाए। दो टेबलस्पून बासिल सीड्स लिए हैं, तुखमा लंगा लिया है और इसमें आधा कप पानी भर के हम इसको रख देंगे एक तरफ। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के और इसमें पानी ऐड किया है और इसको मिक्स कर दिया है। अगर आपने जो मैंने होममेड बनाई है जेली, अगर आपके पास टाइम नहीं है ये बनाने का तो आप बाज़ार की जो जेली है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से पैकेट मंगा लें और उसको फौरी तौर पे आप जमा सकते हैं अगर आपके पास वक्त नहीं है तो। 1 किलो के करीब लिया है दूध, यहाँ पे आधा कप यहाँ पे चीनी का ऐड किया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, अगर आपने ज़्यादा मीठा रखना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसको मिक्स करने के बाद जो कस्टर्ड हमने तैयार किया है उसका लिक्विड यहाँ ऐड कर देंगे। वनीला कस्टर्ड ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो खूब अच्छे से पक जाए। यू कैन सी कि इसकी लुक इस तरीके की होनी चाहिए। फिर हम इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और ये गर्मियों के लिए तो बहुत बेस्ट है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। माशाअल्लाह से आप देख सकते हैं फ्रिज में जो जेली हमने बनने के लिए रखी थी वो कितनी अच्छी बनी है, कितने प्यारे इसके क्यूब्स हैं। तो अच्छा, यहाँ एक सीन मुझसे मिस हो गया था। जब हम जेली बना रहे थे तो उसमें 2 टेबलस्पून हमने लेमन जूस के भी ऐड करने हैं। और अगर आपने बाज़ार की यूज़ करनी है जेली तो आप बाज़ार की जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कलर में भी चाहें। माशाअल्लाह से फ्रिज में रखने के बाद काफ़ी अच्छा जो है ये चिल हो गया है। तो अब हम इसमें तुख मलंगा डालेंगे। ये 3 कलरों की हमने बनाई थी जली, वो डालेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे और माशाअल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का लग रहा है। यू कैन सी जैली जो हमने बनाई थी उसमें भी हम मीठे की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं क्वांटिटी इसलिए भी कम बताती हूँ ताकि जो शुगर पेशेंट हैं और जो मीठा कम खाते हैं लोग, तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। तो जो जैली हमने बनाई थी वहाँ पे भी जैसे मैंने 3 चमचे लिए थे चीनी के, तो आप 4, 5 और 6 चम्मच भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो वहाँ भी आप चीनी ऐड करेंगे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक हो गया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड शरबत जो है वो तैयार हो गया है और ये कितना मज़े का लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।